अरे दोस्तों, भाई और बहन, जैसे कि आपको दिख रहा है, 10 कॉमन साइंस क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आज हम करंट अफेयर छोड़े, और ये आपके जो जीएस सब्जेक्ट के बारे में मैंने बोला था कि कनेक्शन गुरु, जैसे आप चैनल में नाम लिखते हैं कि कनेक्शन गुरु, तो कनेक्शन गुरु कैसे हैं, वो कनेक्शन गुरु को समझाने के लिए मैंने आपको आज चुना है कि 10 कॉमन साइंस क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो हम देखते कैसे कनेक्शन देके हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के कीवर्ड को हम पकड़ेंगे। क्वेश्चन के कीवर्ड को हम पकड़ेंगे, जैसे आप कीवर्ड जानते हो। कीवर्ड को हम पकड़ेंगे और वो कीवर्ड को पकड़ के क्वेश्चन का जो आंसर है, उस आंसर को हम जोड़ देंगे उसके साथ। ऐसे जोड़ेंगे कि हम चाहे भी तो नहीं बोल सकेंगे। और इस जो प्रोसीजर से, ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये सदियों के लिए भी चल सकता है। एक ऐसा ट्रिक है जिसे आप चाहे भी तो नहीं बोल सकेंगे, इफ़ यू सीरियस अबाउट दिस ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, सो दिस इज द कनेक्शन, गिविंग कनेक्शन टू योर क्वेश्चन विद योर आंसर, सो दैट यू डोंट फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू डू बेटर इन योर एग्जाम्स अदर देन योर कॉमन स्टूडेंट्स, कॉमन कैंडिडेट्स। ओके, दिस इज वाई आई एम राइटिंग माई इन माई चैनल दैट कनेक्शन गुरुजी। ओके, वी आर गिविंग कनेक्शन टू अवर क्वेश्चंस विद आंसर्स। ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस साइंस क्वेश्चंस विद कनेक्शन गुरुजी। और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो हमारे चैनल में रहता ही है। दिस इज आवर टैग लाइन एंड वी विल नॉट फॉरगेट दिस, वी विल यूज दिस टैग लाइन फॉर एवर फॉर एवर। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये क्या है, ये जो अपने उम्मीद है, जो विश्वास है, जो अपने स्टेबिलिटी है, स्टैमिना है, और जो पावर है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। जैसे कि आप अपना डेस्टिनेशन में, आप अपना मुकाम में पहुंच जाए। ओके, ये मतलब ये अपनी लाइफ के लिए है, दिस इज़ फॉर योर ओन लाइफ टू चेंज योर वर्ल्ड। ओके, अगर आप अपने खुद के बिलीव रखते हो तभी हो सकेगा। और शिवकर साहब का जो बुक है यू कैन विन, इसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर आप सोचते हो कि आपसे होगा तो होगा, आप अगर सोचते हो कि आपसे नहीं होगा तो वो तो यू आर राइट। तो हम क्यों ना सोचे कि हमारे से कुछ अच्छे होगा, हम कुछ अच्छे कर सकेंगे, हम करके दिखाएंगे। ओके, सलमान खान ने जो डायलॉग है कि मैं एक बार डिसीशन ले लिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता हूँ, तो आप डिसीशन लीजिए कि आप करेंगे और आप करके दिखाएंगे। ओके, जो आपके जो माँ बाप है वो कितने खुश होंगे अगर आप बहुत बढ़िया सर्विस लेंगे। देखिए, सर्विस लेने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होता है। मेरे जो IAS IPS का वीडियो है, टाइम बैंक का वीडियो है, वो आप देखिएगा। ओके, चार वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एक है सचिन सर वाला मोटिवेशन वीडियो, दो नंबर पे PT उषा, तीन नंबर पे है टाइम बैंक, चार नंबर पे है IAS IPS। ये चार वीडियो देखेंगे ना, शायद आप इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर देन इट विल टेक यू यू टर्न इन योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू टेक यू टर्न इन योर लाइफ। बिकॉज वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि दोस्तों आपको 3 से 4 साल काम करना है, 16 से 18 घंटा, और उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी आराम कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर एक हिसाब बताता हूँ मैं आपको। ओ, हमारा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अच्छा, एक हिसाब बताता हूँ जो बताने वाला जा रहा था। मान लीजिए ये और भी दो दोस्त हैं, इसने क्या किया, मेरे जो टाइम बैंक का वीडियो है उसको फॉलो किया है। ओके, 3 से 4 साल, 16 से 18 घंटा। ओके, और इसने फॉलो नहीं किया है तो इसको कोई ना कोई सर्विस मिल जाता है, और इसको ये नहीं किया है, तकलीफ। देखिए, मेहनत रंग लाएगी, हमारे कहावते में तो है, मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको रंग लगेगी ही लगेगी। ओके, आपकी ज़िंदगी में रंग लगेगी ही लगेगी। सो आपको ये तकलीफ़, देखिए यहाँ पर और एक चीज़ समझना चाहूँगा।
कि ये तकलीफ़ आपको 3 से 4 साल करना है, ओके। और ये तकलीफ़ नहीं किया तो आपको ज़िंदगी भर ही तकलीफ़ करना रहेगा। अगर एक तकलीफ़ करने के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल गया तो क्या होगा, आप फैन के नीचे ऑफिस में जाके बाबू होके बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सुनहरा मौका अगर नहीं आया, सपोज़ कुछ साल बाद 3 से 4 साल के बाद आपके जो नौकरी में जो एप्लीकेशन डालने का जो ये है ये जो ख़त्म हो जाता है। तो यही इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों 3 से 4 साल जब तक आपकी उम्र है तब तक आप एकदम एकदम दिल लगा के तन मन लगा के 3 से 4 साल एकदम मेक योर ब्लड टू स्वेट, सो दैट यू प्रिपेयर वेल एंड टू वेल इन योर एग्जाम्स। चलो पहला क्वेश्चन, थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। कहने का मतलब ये है फूड मटेरियल किस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। ओके, तो फूड मटेरियल आंसर क्या है, फ्लोएम। अब देखिए फूड और फ्लोएम के बीच में जो कीवर्ड मैंने बोला था कि एक कीवर्ड को जो चुनिए, ये फूड जो शब्द है वर्ड है ये पक्का रहेगा क्वेश्चन में। तो क्या होगा, फूड और फ्लोएम जैसे प्रोनाउंसिएशन का कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को आपको लगाना है, दोस्तों ये आप भूलिए मत, अरे भूलेंगे नहीं है, फूड फ्लेम। आप 3 से 4 बार इसको क्या कीजिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिए, फूड फ्लेम। बस ये फूड वाला शब्द रहेगा, फ्लोएम वाला शब्द भी रहेगा ऑप्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना है। यही कनेक्शन आपको समझाऊंगा मैं आगे, यही कनेक्शन। आगे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन जो जाइलम मतलब, ये देखिए जाइलम से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो फूड तो ये दोनों कंबाइंड होकर जब फूड बनता है, लेकिन ये जब दोनों अलग अलग होता है तो मिट्टी से ऊपर की ओर जाता है, ये आपको पता है कि देखिए क्या लिखा है, दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज वर्टिकुल वास्कुलर प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स सॉइल इंटरफेस टू स्टेम्स एंड लीव्स से भेजते हैं। तो ये जाइलम जो है, जल बोलते हैं ना, जल शक्ति मंत्रालय आपने सुना होगा, जल शक्ति मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वाटर को क्या बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। तो जाइलम से जल है, ओके, जाइलम जल, ये इसका कनेक्शन ऐसा है। तो उम्मीद है कि ये जो दो कनेक्शन फ्लोएम फूड और जाइलम जल ये आप भूलेंगे नहीं, ये दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपका सीसीएल में पक्का है। उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे, दोस्तों उम्मीद है एकदम, आई एम कन्फर्म दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस वन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक ऐसे किसी ने समझाया नहीं होगा, पहला क्वेश्चन एकदम आपके एकदम मनपसंद दोस्तों, इतना सुनहरा, इतना बढ़िया, इतना इजी, इतना मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई आपको समझाया होगा, एटलीस्ट स्पेशली इन द केसेस ऑफ एमसीक्यू। देखिए हम सोचते कि जो साइंस का पेपर है वो थोड़ा टफ है, देखिए साइंस का क्वेश्चन में हम ऐसा कनेक्शन निकालेंगे आपके लिए कि आपके लिए मौका ही मौका बनता जाएगा। ओके, यू विल बी हैप्पी दैट यू गॉट ए सच चैनल वेर यू विल बी रिमेम्बरिंग लाइक एनीथिंग, अच्छा दोस्तों एक बात और बताते, आप अगर नए हो तो ये क्वेश्चन देखने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में तो आई होगा कि यस मुझे सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे दो चैनल हैं, एक है जो आप देख रहे हो मिशन सीजीएल, ओके, दूसरा नंबर है ड्रीम डब्ल्यूसीएस। ये है बंगाल के जो पीएससी है उसके एग्ज़ाम के लिए है, जैसे मैं बंगाल से हूँ, ओके, और ये जो है आपके हिंदी भाषियों के लिए, ओके, जो लोग हिंदी पसंद करना चाहेंगे। तो आपके कोई दोस्त अगर बंगाल में होंगे तो यू कैन रिफर दिस चैनल, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू फॉलो मी इन बंगाली, इफ यू अंडरस्टैंड बंगाली वेल देन यू कैन फॉलो मी इन दिस वन, और अदरवाइज अल्टरनेट चैनल लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन अल्टरनेट चैनल।
कहने का मतलब यह है, इसके लिंक इसमें रहेगा और इसका जो लिंक है इसमें मिलेंगे आपको, सो दैट यू डोंट नीड टू सर्च फॉर द चैनल, सर्च फॉर द चैनल। देखिएगा हमने कितना अच्छे बढ़िया बढ़िया करके समझाए हुए मैथ के पेपर में भी, हमने इतना इजी करके बताया, ज़्यादातर केसेस में जितना अभी तक जितने वीडियो हमारे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर, पेन पेपर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। तो देखिए मैंने कहा था कि कीवर्ड, इस कीवर्ड को आप पकड़िए, यह है पर कीवर्ड क्या है, सर्जरी। सर्जरी से क्या है, सुश्रुत। सर्जरी से सुश्रुत, बताइए आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक्चुअली हमने गौर नहीं किया कर देखा अभी भी, मतलब हमने भी ये सिस्टम देखने से पहले कभी गौर नहीं किया, फिर एक दिन मुझे ऐसा तो याद रख सकता है, इतनी लाखों जो लाखों लाख 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 जो जीएस है एमसीक्यू है वो कैसे याद करें, ये है कि याद करने का एक अच्छा तरीका जहाँ पर मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन अगर हम याद करें, सब क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, और सो हम लोग क्या करेंगे कॉमन क्वेश्चन को याद करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर कनेक्शन क्या बना, कीवर्ड हमारा सर्जरी है और सर्जरी से सुश्रुत, तो हमने क्वेश्चन के साथ आंसर को लिंक कर दिया, वी आर लिंकिंग क्वेश्चन विथ आंसर, नथिंग एल्स, वी आर लिंकिंग क्वेश्चन विथ आंसर, दैट्स ऑल, आंसर विथ क्वेश्चन, व्हाटएवर यू सेड, ओके, दैट इज द थिंग, दैट इज द कनेक्शन, एंड दिस इज व्हाई आई हैव केप्ट माय चैनल नेम कनेक्शन गुरुजी, ओके कनेक्शन गुरुजी। अब हम पढ़ते एक्सप्लेनेशन को, ही वॉज एन एंशियंट इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन नोन टूडे एज फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी, फॉर इन्वेंटिंग एंड डेवलपिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, इन्वेंटिंग और डेवलपिंग दोनों हैं यहाँ पर, इन्वेंटिंग एंड डेवलपिंग बोथ वेज, ही वॉज वेरी फेमस एंड ही हैज़ बीन नेम्ड एज फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत सर्जरी। आप भूलेंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे भी तो नहीं बोलेंगे, कोशिश करके देखिए, यू विल नॉट फॉरगेट। अच्छा विन विच इन द टेक्नोलॉजी टू क्रायोजेनिक इंजिन्स न फाइंड एप्लीकेशंस, तो ये क्या है रॉकेट टेक्नोलॉजी, ये क्या है रॉकेट टेक्नोलॉजी। अब रॉकेट कहाँ जाता है, देखिए थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेनेशन दे दें तो आप भूलेंगे नहीं, रॉकेट कहाँ जाता है, स्पेस में जाता है, राइट, और स्पेस क्या है, ठंडी है, स्पेस क्या है, ठंडी, बिकॉज वहाँ पर एटमोसफेयर नहीं है, तो जो सनलाइट है उसको पकड़ के नहीं रख सकते, जैसे आपको पता है कि पूरे स्पेस जो अंधेरा नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि स्पेस में जाते हैं और वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पर अंधेरा नजर आता है, तो यहाँ पर जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडी में अगर जम ना जाए वैसे वाला इंजन इनको चाहिए होगा, तो जिस इंजन के नाम है क्रायोजेनिक इंजन। देखिए क्रायोजेनिक से क्या 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 क्रायोजेनिक्स का मीनिंग्स क्या है, एडिशन टू प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अ वेरी लो टेम्परेचर, तो क्रायोजेनिक के मतलब है लो टेम्परेचर में काम करने वाला, लो टेम्परेचर में काम करने वाला। द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रायोस मीनिंग फ्रॉस्ट, मतलब ठंडी, और जो जेनिक मतलब मीनिंग टू प्रोड्यूस, तो ठंडी में भी जो काम करे, ओके, तो क्रायो का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में जो काम करने वाला, जैसे कि रॉकेट कहा जाता है, ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट है वो कहा जाता है स्पेस में जाता है, और स्पेस ठंडी होता है, वहाँ पर अगर ये इंजन बैठ ना जाए, इन दीज खराब ना हो जाए, खराबी ना आ जाए इंजन में, तो उसी के लिए ये क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। अच्छा इसके साथ और एक आपको कनेक्शन देने की बात बताई, समझ में आई मुझे, ओके, चाहा कि पायरोजेनिक इंजन, तो वो है क्रायोजेनिक इंजन ठंडी में, ये पायरोजेनिक इंजन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो आपको पता है जहाज है, हवाई जहाज है और पानी में चलने वाला जहाज है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होता है इंजन में, तो उस इंजन में अगर उस टेम्परेचर में काम करने वाला भी इंजन चाहिए होता है, तो जो हीट है वो तापमात्रा है, जो हीट जिसको बोलते हैं, तो हीट को जला देता है,
ओके, हीट क्या करता है, नॉर्मली जला देता है। हीट क्या करता है, नॉर्मली जला देता है। और जलने का और एक क्या नाम बोलते हैं उसको, गांव गांव में क्या बोलते हैं, पूर गया। ओके पूर गया, तो पायरो से जला हुआ। ओके पायरो से जला हुआ, ये आप याद कर सकते हैं, पायरो से जला हुआ, पायरो मतलब जला हुआ, मतलब जल गया, जल गए। ओके जल गए, पायरो से क्या है, जल गए, मतलब पायरो का जो मीनिंग्स है वो हीट है। तो उसी के हिसाब से आप याद कर सकते हो कि ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजिन्स, ये क्या हो, कहाँ होता है, क्रायोजेनिक इंजिन के लिए, और पायरो जो है वो नॉर्मली जो जहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है वहाँ पर पायरोजेनिक इंजिन इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर पायरोजेनिक इंजिन इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप ज़रा सब्र करें, ओके वेट, यू विल गेट द बेटर बेस्ट वे टू रिमेंबर हियर। ओके गिविंग कनेक्शन विच एंड विटामिन इज ऑल्सो नोन टू बी हार्मोन कंसिडर टू बी सॉरी विच विटामिन इज कंसिडर टू बी ए हार्मोन कंसिडर टू बी ए हार्मोन तो आंसर क्या है, आंसर है डी, आंसर है डी। अगर आप सब सपोज ये हार्मोन, तो हार्मोन जो शब्द है वो तो रह गई, हार्मोन जो शब्द है वो रह गई, और डी का है उसका आंसर। तो नॉर्मली डी से हम क्या बना सकते, इसको डॉक्टर बना सकते, और किसी ए बी सी से हम डॉक्टर नहीं बना सकते किसी भी, तो डी से डॉक्टर बना सकते। और डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करके बताता है कि आपके बॉडी में हार्मोन का कमी है, विटामिन का कमी है, किस चीज़ का कमी है, मिनरल्स का कमी है वगैरह वगैरह। वो जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं उसमें वो सब प्रेस्क्राइब करके बताता है कि आपको ये विटामिन लेना चाहिए, आपको ये हार्मोन लेना चाहिए, आपको ये मिनरल खाना चाहिए, आपको कैल्शियम की गोली खाना चाहिए, वो देते हैं ना। तो हार्मोन क्या है, विटामिन कंसिडर्ड एज हार्मोन इज विटामिन डी, विटामिन डी, डी से डॉक्टर, डी से डॉक्टर जो सर्टिफाई करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कौन सा विटामिन खानी है, कौन सा विटामिन हार्मोन लेनी है वगैरह वगैरह। ओके तो आगे क्या पड़ता है, दो जो आपका ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, बोनस इन्फॉर्मेशन ये है, डी इज एक्चुअली ए हार्मोन रेदर देन ए विटामिन। तो ये भी हमें पता लग गया कि ये एक्चुअली ए हार्मोन, एक्चुअली ये हार्मोन रदर देन विटामिन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द गट इन टू द ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम द गट इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके तो हमारे गट से जो है ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करता है, और आवर बॉडी एंड सेकेंड पॉइंट आवर बॉडी क्रिएट्स विटामिन डी फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट ऑन आवर स्किन व्हेन वी आर आउटडोर। तो कोरोना के चलते हुए आपने देखा होगा कि शहर में जो लोग बसे हुए हैं, रहते हैं, वो लोग छत पे चले जाते थे, जो सूर्य देव का जो ये है सनलाइट है वो शरीर में लगाने के लिए, जिससे कि शरीर में ज़्यादा विटामिन पैदा हो और हम अपने आप को इम्यून कर सके कोरोना से, इम्यून कर सके कोरोना से। और गांव में जो लोग हैं वो लोग आंगन में बैठ जाते हैं कि थोड़ा धूप लगे, सनलाइट लगे, और विटामिन डी हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हम हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ा सकते, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा सके, इम्यूनिटी बढ़ा सके। ओके इम्यूनिटी इंक्रीज्ड, इम्यूनिटी इंक्रीज्ड। सो तो हमें पता लग गया कि ये हार्मोन के साथ जो डॉक्टर का रिलेशन है, उसी रिलेशन से हमें ये जो कंसिडर्ड एज हार्मोन, ये हम याद कर सकते हैं। ओके ये हम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पांच नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब स्कैवेंजर्स क्या है, जो वाशी और गले पचे हुए चीज़ों को खाते हैं, ओके, और उसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए वाशी और गले पचे हुए चीज़ों का जो कनेक्शन है, बासी जो है बैक्टीरिया, और गले पचे हुए जिस चीज़ को फंजी, ओके फंजी। तो स्कैवेंजर्स तो रह गई, तो स्कैवेंजर्स का मतलब ही है जो बासी और पचे गले हुए चीज़ को खाते हैं, हम कहते हैं ना ये पच गया, ये गल गया, ये खाया नहीं जाएगा, तो उसी को जो खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया से बासी जो बासी चीज़ है, और फंजी से पचे गले हुए चीज। तो ये आपको समझ में ना आया होगा कि हम कैसे याद करेंगे कि स्कैवेंजर्स इकोसिस्टम में किसको कहा जाता है।
ओके स्कैवेंजर्स इसको कहा जाता है। ओके आगे ये नोट्स में क्या कहते हैं, फंजी एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ इकोसिस्टम। स्कैवेंजर्स कीप द इकोसिस्टम फ्री ऑफ द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड कैरियंस। दे ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रिसाइकल इट इनटू द इकोसिस्टम एज न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंजी क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके इकोसिस्टम में डाल देते हैं, फिर से वो न्यूट्रिएंट बन के हमारे शरीर में जरूरत पूरी करता है। जरूरतें पूरी करता है। तो ये हमें समझ में आया कि स्कैवेंजर्स और बाशी और पक्षी गले हुए चीज़ को खाते हैं, बैक्टीरिया और फंजी का वही कनेक्शन है कि बाशी और पक्षी गले हुए। ओके एकदम 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 दोस्तों एकदम श्योर। ओके ऐसे कनेक्शन देखे हमको, हम आपको समझाएंगे कि आप दिखते रहेंगे, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी लविंग दैट। सो सच ए ग्रेट कनेक्शन वी आर प्रोवाइडिंग, सच ए ग्रेट कनेक्शन वी आर प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर। अच्छा सिक्स्थ नंबर पे क्या करें, अल्फा केराटिन इज इन ए प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग। तो इसका आंसर क्या है, वूल। इसका आंसर क्या है, वूल। अब देखिए अल्फा शब्द रहेगा ही रहेगा, और अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते, बट लिखने के टाइम ऐसे है, बोलने के टाइम आपका अल्फा ही बोलना होता है। अल्फा ही बोलना होता है, तो अल्फा से उल्फ, अल्फा से उल्फ। ओके तो अल्फा से क्या होगा, उल। ओके तो अल्फा जहां पर होगा वह पर कनेक्शन क्या है, उल। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन उल। बस वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट टिल दिस टाइम। एंड हम लोग ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के कनेक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स एंड यू रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम, रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इज इन द टाइप ऑफ केराटिन फाउंड इन द वर्टेब्रेट्स। दिस प्रोटीन इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हेयर हॉर्न्स इन मेमेलियंस क्लॉज नेल्स एंड एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं इसको, बालों में मिलते हैं, सिंगों में मिलते हैं, और जो ये मेमेलियंस का जो क्लॉज है जो थवा बोलते हैं ना, और नेल्स जो नखून है उसमें मिलते हैं, एपिडर्मिस में स्किन के जस्ट नीचे वाले स्तर पर ये मिलते हैं। नीचे वाले स्तर पे ये मिलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों ये जो कनेक्शन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये आपको समझ में, और धीरे धीरे आप भी आपके अंदर भी ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकेंगे। ओके आप खुद ही बना लेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना बढ़िया जो कनेक्शन देके याद रखने का तरीका जीएस पेपर में, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा। You will be surprised to know that giving this type of connection, you will remember for a long time and you will not forget for a long time. And for your exams, you will be happy to answer the questions without any error. Without any error. At least if it's common, then you will be able to answer. If it's uncommon, then if you've ever gone through. और मेरी जो system है वो देखने के बाद आपको, जो मैं अगर skip भी कर गया घर बैठ के, आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो उसमें भी आप connection लगा के याद कर सकोगे, याद कर सकोगे। सपोज मैं इतना तो पढ़ा नहीं पाऊँगा, और घर बैठ के आप जो पढ़ोगे उसमें भी आप कनेक्शन लगा के रखोगे, सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके चलो नेक्स्ट सेवेंथ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, देखिए कितना बढ़िया चीज है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडरेटर, तो ये मॉडरेटर जो कीवर्ड है ये रहेगा, मॉडरेटर जो कीवर्ड है ये रहेगा। ओके विद ग्राफाइट वाटर यूरेनियम, तो ये आंसर है ग्राफाइट। आंसर क्या है, ग्राफाइट। अब देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में दो शब्द हमें मिले थे, एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है मॉडरेटर, मॉडरेटर ठीक है। तो ये कहाँ मिले थे, हमारे कांग्रेस के जब फैक्शन हुई थी वहाँ पर ये दो शब्द मिले थे। तो मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब क्या है, जो लोग नरमपंथी थे वो लोग क्या है, चरमपंथी थे। तो नरमपति मतलब नरम नरम, और जो ग्राफाइट जो है वो पेंसिल में यूज़ किया जाता है, और आप लिख सकोगे कैसे है, बिकॉज इट इज़ मॉडरेट मतलब नरम है, ये जो चीज़ है नरम, ग्राफाइट जो है नरम है। तो वही आपका कनेक्शन बन गया, वही आपका कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पर दो चीज़ और यूज़ होता है, एक है हैवी वाटर और एक है
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो हो गया कि ग्रेफाइट आप आपको पता है पेंसिल में यूज होता है, वो नरम है इसीलिए मटर वाटर। और क्या है, हैवी वाटर। अभी कोई चीज़ हैवी हो गया, वो हैवी ये वाला जो कोई इस आइटम पे किसी के ऊपर रख दो तो वो तो ऑटोमेटिक नरम हो जाता है। कोई हैवी भारी वाला चीज़ है किसी चीज़ के ऊपर रख दो तो वो नरम हो जाएगा। जैसे दो आदमी झगड़ा झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें एक आदमी अगर ऊंची आवाज़ में बात किया तो दूसरे सामने वाले आदमी के नरम होना ही होना होता है, समझ गए बात। तो हेवी वाटर क्या है, मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ग्राफाइट जो है नरम नरम चीज़ है इसीलिए उसको भी मतलब कनेक्शन देने की बात कर रहा हूँ। ओके, कनेक्शन देने की बात कर रहा हूँ, मतलब रिमेंबरिंग फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबर यू गिव द कनेक्शन सच ए वे सो दैट यू डोंट फॉरगेट अंटिल एंड अनलेस यू रीच योर डेस्टिनेशन। आप अपने मुकाम में जब तक नहीं पहुँचो तब तक आप इसको याद रखें, तब तक आप इसको याद रखें। तो हो गया मॉडरेटर, ग्राफाइट एंड हैवी वाटर। अच्छा नेक्स्ट, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। ये क्वेश्चन या तो सिंगल आता है या तो सिंगल सिंगल या तो बोथ, तो मैंने यहाँ पर दोनों को दिया है जिससे कि आपको दोनों मैं समझा पाऊँ, जिससे कि आप दोनों याद रख सकें, दोनों याद रख सकें। तो एक है पीरियड्स और एक है ग्रुप, एक है पीरियड्स एक है ग्रुप, और यहाँ पर एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा है। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अभी कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा परपेंडिकुलर है, ये बहुत डाउट हो जाता है एग्जाम हॉल में घुसते ही हमें डाउट हो जाता है कि कौन सा पीरियड है कौन सा ये है। तो देखिए 7 आप कैसे लिखते हैं, 7 आप ऐसे लिखते हैं और इसको काट देते हैं बीच में, नॉर्मल ऐसे लिखते हैं। नॉर्मल लोग ऐसे, कोई कोई अब कोई कोई ऐसे भी लिखते हैं लिख देते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा लिखते हैं जो इंग्लिश में जो लिखा रहता है प्रिंट रहता है वो ऐसा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 का जो ये है, 7 का जो बीच में कट वाला है ये हम इसको निकाल देंगे और इस कट वाले को कहा करेंगे क्या करेंगे, इसको नीचे जोड़ देंगे। तो ये जेड बन गया, 7 को हमने जेड बना दिया, तो यह है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक जेड है। तो 7 जो है वो है जेड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब धरती के पैरेलल, धरती के पैरेलल। तो मान लीजिए यहाँ पर एक तो बात ख़त्म हुई कि 7 के साथ हॉरिजॉन्टल को कैसे हमने कनेक्ट किया है, और दूसरी बात तो रही कितने पीरियड्स हैं। तो मान लीजिए आपका वीक में कितने दिन हैं, एक वीक में 7 डेज। ओके, तो एक पीरियड आप एक दिन में ख़त्म करें, एक पीरियड में जो एक पीरियड है तो 7 पीरियड्स है, वीक में 7 डेज हैं, तो आप क्या करेंगे एक दिन में एक पीरियड ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर अगर जेड का कनेक्शन 7 से आपको याद भी नहीं रहा तो आप मान लीजिए, तो आप मान लीजिए कि मंडे एक पीरियड, ओके एक पीरियड और सोस होके लेट के, ओके लेट गया मतलब क्या है, धरती के साथ आप पैरेलल हो गए। आप अगर ऐसे लेट जाते हैं तो धरती के साथ आप पैरेलल हो जाते हैं। तो आप डेली क्या है कनेक्शन क्या है, डेली एक पीरियड ख़त्म करेंगे, 7 डेज में 7 पीरियड ख़त्म होगा, और पीरियड जब पढ़ेंगे आप लेट लेट के पढ़ेंगे, अगर आपके जेड के कनेक्शन याद भी नहीं रहा, ओके कि 7 के साथ से कौन सा जो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो होगा 7 होगा। अभी अगर ये नहीं याद नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि 7 डेज का जो वीक है एक दिन में एक पीरियड ख़त्म करेंगे, और जब पीरियड पढ़ेंगे तो लेट लेट के पढ़ेंगे। तो लेट गया तो आदमी क्या होगा, धरती के साथ पैरेलल हो गया। तो रही बात और ग्रुप्स एंड ये ग्रुप्स एंड नंबर्स एंड इट्स ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर और वर्टिकल, तो 18 ग्रुप्स हो गए आपका। देखिए दो चीज़ है, जैसे इससे पहले भी मैंने किसी इसमें समझाया था आपको, ए के साथ बी, अगर आपको पता है ए के साथ बी का कनेक्शन जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली सी के साथ डी के कनेक्शन जुड़ेगा, अगर दो चार चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए दो चार चीज़ें ही हैं,
एक तो पीरियड है, एक ग्रुप है, एक 7 नंबर के फिगर है, एक 8 नंबर के फिगर है, और एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो आपको ये पीरियड्स और हॉरिजॉन्टल, ओके हॉरिजॉन्टल और 7, ये फिगर को एक साथ कर दिया तो बाकी 3 फिगर ऑटोमेटिकली, ये 18, ये ग्रुप और पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एक साथ रहा। दोस्तों आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं जो समझाने चाहना चाह रहा ठीक है वो आप समझ लीजिए, ये मत समझिए कि ये बकबक कर रहा है, ओके। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ओके। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी है, ओके। मुझे ये लगता है कि जो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने आए हैं उसमें से 7 क्वेश्चन तो आपको एकदम बढ़िया लगा होगा, ओके। एक दो क्वेश्चन छोटे, जैसे कि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा सा हिचकिचाव लग रहा होगा, बट 10 में से 7 तो आपको एकदम मनपसंद हुआ ही होगा कि यार ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद हम कर सकते हैं। डिटर्जेंट यूज ऑन द फ्लोर क्लीन क्लोथ्स एंड यूटेंसिल कंटेंट्स। तो डिटर्जेंट क्या करता है, जो आप अपने कपड़े में देते हैं जो सर्फ वगैरह, वो क्या धुलाई करता है, सफाई करता है, गंदगी भगाता है, तो हम क्या बोलते हैं कपड़ा साफ हो गया। देखिए इसका आंसर है सल्फोनेट्स, और कोई जो आपका ऑप्शन है उसमें सल्फोनेट शब्द कोई कहीं भी मैच नहीं होगा, तो सल्फोनेट से सफाई हो गया आपका कनेक्शन, सल्फोनेट से सफाई। तो डिटर्जेंट क्या है, सर्फ जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो क्या करता है कपड़ा धुलने में काम आता है, कपड़ा धुलाई हुआ मतलब सफाई हुआ, और सल्फोनेट से सफाई हो गया आपका कनेक्शन। देखिए इतना बढ़िया कनेक्शन कौन देगा आपको, कोई नहीं देगा अभी तक, किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसे भी याद कर सकता है दोस्तों, यह है सल्फोनेट से सफाई, सल्फोनेट से सफाई। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो थोड़ा देख लेता हूँ हम लोग। डिटर्जेंट यूज ऑन द फॉर क्लीनिंग क्लोथ कंटेंट्स, क्लीनिंग कंटेंट्स सल्फोनेट्स इन द एयर, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कलाइन हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या हो सकता है, ये अगर ए, मतलब नेक्स्ट दो जो पॉइंट है, जो सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका जो IAS लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें इतना टफ टफ रहेगा, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा CGL का जो एग्ज़ाम है, EPFO का एग्ज़ाम है जो, ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि इस डिटर्जेंट जो है सर्फ और साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें सल्फोनेट रहता है, जिसमें सल्फोनेट रहता है जो सफाई के काम में ज़रूरत पड़ता है। अच्छा इस सीरीज का जो लास्ट यह क्वेश्चन है आपके लिए, ओके इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इन द टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन द फॉर पेट्रोलियम फायर। दोस्तों आप लोग जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे नए नए जो कनेक्शन वाला सिस्टम है वो आपके आप अपना दिमाग में बढ़ा सकें, ओके। शुरू शुरू में आपको तकलीफ होगा, अगर आप मुझे कुछ महीनों तक फॉलो करते रहेंगे तो आपके अंदर भी ये जो क्राइटेरिया है ये डेवलप हो जाएगी, जो क्वालिटी है करेक्टरिस्टिक्स है ये डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप घर बैठने के भी पढ़ाई कर सकते हैं और कनेक्शन देखे याद कर सकते हैं, ओके। हमने 10 क्वेश्चन रहा है, इसमें से मुझे उम्मीद है कि 7 तो आपको पसंद आया ही होगा कि ऐसे भी कनेक्शन देखे हम याद कर सकते हैं, बट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइप के कनेक्शन देने की कोशिश किया है मैंने, सो दैट आपके ये आइडिया आपके मथे में आप बैठा सकें, ओके। ये क्या करें, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज फॉर पेट्रोलियम फायर, पेट्रोलियम फायर आंसर क्या है, पाउडर टाइप, आंसर क्या है, पाउडर टाइप। यहाँ पर मैंने देखिए दोस्तों आपको ये जो कनेक्शन देने वाला सिस्टम है, जो क्वेश्चन के साथ आंसर का जो लिंकिंग का ये है मुद्दा है, यही मैं समझाने के लिए लेकर क्वेश्चन पे तो आपके घर में है, आपके पास आप तो बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो कनेक्शन देने वाला सिस्टम है ये आपको कैसे कनेक्शन देना है ये बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन का जो कीवर्ड है क्या है, पेट्रोलियम फायर, वो किस में इस्तेमाल करते हैं हम, पाउडर टाइप। देखिए पेट्रोलियम और पाउडर
पेट्रोलियम पाउडर, लगता है आपको प्रोनाउंसिएशन में कनेक्शन है, पेट्रोलियम पाउडर। आप दो चार बार थोड़ा सा रिपीट करके प्रोनाउंस कीजिएगा, देखिए उच्चारण कीजिएगा, देखिए आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, पेट्रोलियम पाउडर, पेट्रोलियम पाउडर, पेट्रोलियम पाउडर। मुझे उम्मीद है कि आपको जो 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें से एटलीस्ट आपको 7 क्वेश्चन पसंद आया जिसमें आपका दिल भर गया होगा। ओके, तो मैं कहूँगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी ये जान पाए कि ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया मिशन CGL और ड्रीम WBCS, आपका कोई बंगाल का दोस्त हो उसको आप बता सकते हैं, उसका प्रीफर कर सकते हैं, उसमें और इजी तरीके से हमने बताए हुए हैं, यही बताए हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से उसमें और संदर्भ हुआ है, उसमें और संदर्भ हुआ है। प्रोटोटाइप एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर पेट्रोलियम फायर, तो पेट्रोलियम फायर के लिए किस किस के इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप। अब देखिए क्रमण, यह पर अब आग बुझाने का तरीका कौन सा है पता है आपको, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आग बुझाने का तरीका है, सपोज ये है कोई लकड़ी, इसके ऊपर आग पकड़ लिया, अब इसको अगर ढक दिया जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएंगे। ओके, सपोज ये एक बत्ती है, मोमबत्ती है, यहाँ पर जल रहा है। ओके, यहाँ पर जल, सडनली इसको ढक दिया गया किसी चीज़, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया। ओके, चारों तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई तो ये ऑटोमेटिक बुझ जाता है। तो जो पेट्रोलियम के ऊपर जो आग लगता है, पाउडर डाल के उसके ऊपर लेयर बना दिया जाता है, सो दैट ऑक्सीजन का जो कट ऑफ है वो बंद, ऑक्सीजन का जो कट ऑफ है वो बंद कर दिया जाए। तो मुझे समझ में आया होगा कि किस बेसिस पे हमने आग को बुझाते हैं। तो पेट्रोल के ऊपर अगर आग लग गया तो पाउडर डाल दिया तो उसके ऊपर लेयर बन गया और क्या हुआ, जो ऑक्सीजन का जो कट ऑफ है वो बंद हो गया, सप्लाई जो है वो बंद हो गया। आगे देखिए, तो पाउडर तो समझ गया हमने, और इलेक्ट्रिकल फायर ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आ जाता है इसलिए बोनस के तौर पे मैंने सोचा इसको दे दे। इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के टाइप के क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में, जिससे कि हमें शॉक लगने लगे। फोम टाइप ले ले, वाटर टाइप ले ले, पाउडर टाइप ले ले, इसमें क्या होता है ज़्यादातर लिक्विड टाइप के होते हैं तो हमें शॉक लगने की ज़्यादा संभावना रहता है, इसलिए क्या पाउडर टाइप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, O2 का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा इमिडिएटली और क्या होगा, आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। ज़्यादातर घर में जो शॉर्ट सर्किट से वजह से जो आग लगती है उसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जल्दी से ये ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर सके और हमें शॉक भी ना लगे और आग से भी हम बचें, आग से भी हम बचें। तो दोस्तों, ये जो कनेक्शन वाला जो कनेक्शन गुरु आपने बताया, आपको बताया, ये बहुत ही शानदार सिस्टम है। हर क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में, ये तो मैं उम्मीद मैं मतलब प्रॉमिस नहीं करूँगा हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कमेंट्स करें या क्या सर ऐसे इसको कैसे याद करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्शन के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन याद करवा सके और जैसे कि आप और अदर्स कैंडिडेट से भी आगे निकाल के मैक्सिमम GS पेपर के जो क्वेश्चन है वो सही कर सके और आपके आंसर में आप सही करें और आपके जो स्कोरिंग अच्छा है और आपका रैंकिंग में नाम आए, रैंकिंग में आपका नाम आए, रैंकिंग में आपका नाम आए। तो आगे हम यही कहेंगे कि ये जो बहुत बढ़िया का एक सिस्टम है, ये मान लीजिए एक अनोखा चीज़ है, ये आप सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। और सपोज़ मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है और ऐसे एक क्वेश्चन आपको कमन मिल गया, तो आप कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे, ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारी एक टैगलाइन है, आगे पीछे में रहता है ये, आपको और क्या समझा उसके बारे में, अपने उम्मीदों के ऊपर विश्वास जाता ना, अपने लिए काम करना, अपने लिए बोलना, ये है अपने लिए बोलना और किसी के लिए नहीं, ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू, नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर यू दोस्तों, दिस इज़ फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी।
नॉट फॉर मी। और सर उसके शेयर और लाइक और कमेंट्स ये आपको रहा आपके लिए, ओके डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सो दैट आपको बढ़िया बढ़िया कनेक्शन वाला सिस्टम मिले और आप क्या करें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, आपको अपना डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन मिले, ड्रीम डेस्टिनेशन मिले। देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट सब्र कीजिएगा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 3 से 4 साल आप अगर लगन लगा के काम किया 16-18 घंटा, इसमें से बाद आपको नौकरी मिलता है तो आप ज़िंदगी भर आराम कर सकते हैं, और आप ही नहीं आपके जो आने वाले पीढ़ी है उसको एक अच्छे शिक्षा दे सकें और अच्छे आपके जो फैमिली लाइफ वो अच्छे बन सके। लेकिन अगर किसी ने यह सर मौका छोड़ दिया तो उसको ज़िंदगी भर तकलीफ करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है तकलीफ का कांड, यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिसने प्रिपरेशन नहीं करता है उसे सीरियसली, उसका तकलीफ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दोस्तों देखिएगा फ़र्क, देखिएगा जैसे मैं अपना देख रहा हूँ अभी, जैसे मैं अपना देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ और ये आपका जो समझाने की ये करता हूँ, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो कहीं खेतों में काम कर रहा है, तो कहीं इसमें किसी दुकान में काम कर रहा है, मोदी वाला दुकान में, कोई तो किसी कंपनी में भटक रहे होंगे। दोस्तों ये है बहुत सीरियस चीज़ है दोस्तों, ये 3 से 4 साल आपको लगन लगा के अगर काम किया आपने। अभी देखिए इसमें भी बात एक और है, बात एक और है, क्या है पता है आपको, जब आप पढ़ते हैं तब मम्मी ऊपर आपका फ़ैन चलता है, साइड में भी फ़ैन चलता है, किसी किसी के घर में तो एसी भी रहता है, ओके तो फ़ैन तो मिनिमम रहता ही है, और किसान जो है धूप में जले पुड़े काम करता है, ठीक है, और जो सुशीन सर का वीडियो 12 घंटा धूप में प्रैक्टिस करते थे, पीट्यूशा मैम का जो वीडियो है वो समर सीजन में बालों में भागती थी, तो आपके तो माथे के ऊपर एक फ़ैन है, साइड में एक फ़ैन होगा, मम्मी हर वक्त आपको पूछ रही है, खाना के लिए पूछ रही है, चाय के लिए पूछ रही है, पानी के लिए पूछ रही है, इतनी सुविधा मिल रहा है आपको, लेकिन आप तकलीफ़ करने की रेडी नहीं है, ओके जो तकलीफ़ करेगा उसको पक्का मुकाम मिलेगा, पक्का मुकाम मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए, ओके चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।